नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज चलते हैं प्रयागराज के अत्यंत प्राचीन श्रृंगवेरपुर धाम में। प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। कानपुर से वाराणसी हाईवे के समीप स्थित यह धाम प्रयागराज के तीर्थ स्थानों में से एक भव्य और बहुचर्चित स्थान है। व्यक्ति इसके महज दर्शन से ही धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगवेरपुर धाम से ही भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। यहीं वह अपने मित्र निषाद राज से मिलने आते थे। यहीं से भगवान राम के वनवासी जीवन की शुरुआत हुई थी। माँ सीता ने यहीं पर गंगा मैया की पूजा कर उनका आशीर्वाद लिया था। लंका दहन और रावण वध के बाद भगवान राम का पुष्पक विमान सबसे पहले यहीं उतरा था। केवट ने इसी जगह से राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी नाव से गंगा नदी पार कराई थी। भगवान राम की बहन देवी शांता उर्फ आनंदी मैया का ब्याह यहीं श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्रृंगी ऋषि और देवी शांता का यहां भव्य मंदिर भी है। कहा जा सकता है कि श्रृंगवेरपुर धाम से भगवान राम का गहरा नाता है। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार संतान प्राप्ति की खातिर राजा दशरथ ने श्रृंगवेरपुर में ही श्रृंगी ऋषि से पुत्रीष्ट यज्ञ कराया था। इस यज्ञ की हवि को ही दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खिलाया था। रामायण और पुराणों के मुताबिक श्रृंगवेरपुर में हुए इस पुत्रीष्ट यज्ञ और इसके संकल्प की पूर्ति के लिए श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए त्याग की वजह से ही राजा दशरथ के यहाँ ब्रह्म रूपी भगवान श्री राम सहित चार पुत्रों का जन्म हुआ था। आज भी देश के कोने कोने से हजारों लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रोट और खीर चढ़ाते हैं। राम की जन्म के वजह से श्रृंगवेरपुर को संतान तीर्थ भी कहा जाता है। रामायण का उल्लेख है कि भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता निर्वासन पर जंगल जाने से पहले गांव में एक रात रहे। ऐसा कहा जाता है कि नावकों ने उन्हें गंगा नदी पार करने से इनकार कर दिया था। तब निषाद राज ने खुद उस स्थल का दौरा किया जहां भगवान राम इस मुद्दे को सुलझाने में लगे थे। उन्होंने उन्हें रास्ता देने की पेशकश की। अगर भगवान राम उन्हें अपना पैर धोने दें, राम ने अनुमति दी। और इसका उल्लेख भी है कि निषाद राज ने गंगा जल से राम के पैरों को धोया था और उनके प्रति अपना श्रद्धा दिखाने के लिए जल पिया। गंगा नदी के तट पर स्थित यह अद्भुत गांव हरे भरे छोटे पहाड़ी और सामाजिक मजेदार ग्रामीणों की जगह है। यहाँ हमेशा यात्रा करने के लिए माहौल बना रहता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अपने गांव, शहर और कस्बे का वीडियो बनाने के लिए विवश करता है। और प्रयागराज के जिस स्थान का वीडियो देखना चाहते हो हमें कमेंट में बताएं तो हम उसका वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।